एक्सीडेंट में घायल आदिवासी युवक को कराहल अस्पताल से कल रात किया रेफर, मगर अभी तक मरीज को लेने नहीं आई एम्बुलेंस। खबर कराहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां एक बार फिर घायलों को रेफर के लिए एम्बुलेंस न दिए जाने का मामला सामने आया है। कल बुधवार की रात बाइक एक्सीडेंट में राहरान निवासी सुवालाल आदिवासी घायल हो गया था, जिसे परिजन कराहल अस्पताल में उपचार करवाने के लिए लेकर आए, मगर सुवालाल के सिर में गंभीर चोट आने की वजह से उसे रात को ही जिला चिकित्सालय रेफर के लिए लिख दिया गया। मगर रेफर मरीज को श्योपुर ले जाने के लिए रात की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, आज दोपहर तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे के सिर में गंभीर चोट है, न तो उसका इलाज हो रहा है और न ही श्योपुर भेजा जा रहा है। हमें रात भर से बेवकूफ बना रहे हैं कि एम्बुलेंस का टायर पंक्चर है, एम्बुलेंस खराब है, हम गरीब आदिवासी हैं, निजी गाड़ी के लिए पैसा कहाँ से लाएं। इसी तरह एक आदिवासी बुजुर्ग महिला जिसका पैर फ्रैक्चर है, उसे भी अभी तक एम्बुलेंस से श्योपुर नहीं भेजा गया है। सरपंच गंगाराम आदिवासी ने कहा कि आज और आज से पहले घटित हुई घटनाओं को देखकर तो यही लग रहा है कि कराहल अस्पताल वालों ने ठान ही लिया है कि सहरिया समाज को एम्बुलेंस देनी ही नहीं है, इन्हें परेशान करके रखना है। हमारे सहरिया समाज के साथ बरती जा रही इस लापरवाही की शिकायत मैं कल सीएम से करूंगा। देखिए कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गंगाराम, किस गांव से हो? राहरौन। क्या मामला है, अस्पताल संबंधी क्या बताना चाहते? अरे अस्पताल में सब कोई व्यवस्था नहीं है। कल का हमारा भतीजा है, वो एक्सीडेंट हो गया, कल का रेफर कर दिया उन्होंने और आज तक कोई गाड़ी व्यवस्था नहीं हो पा रही। कल रात में ही रेफर है वो? कल से रेफर है, कल से। तो आपको श्योपुर अस्पताल रेफर किया? श्योपुर रेफर कर दिया उन्होंने। क्या कह रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं दे रहे हैं? एम्बुलेंस व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर, कोई गाड़ी ना कोई व्यवस्था नहीं है। पहले बोल रहे थे पोरी से हरी गाड़ी है, वो भी बता रहे कि पंचर हो गई, जाने क्या हो गया। क्या एक ही गाड़ी बता रहे हैं क्या हॉस्पिटल में वो? हाँ एक गाड़ी, वो तो पोरी से बता रहे, पोरी से आ रही है गाड़ी के, वो भी नहीं आ पा रही। अब निजी पैसे से जान ले जाना पड़ेगा या बस मस से ले जाना पड़ेगा? क्या क्या चोट आई है उसे? सिर में चोट है, बहुत गंभीर चोट है। तो गंभीर कल से भी हो, बावजूद भी इन्होंने इतना समय ले लिया उसे भेजने? अब समय देखो साहब, डॉक्टर साहब शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे, आदिवासियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। आदिवासियों के नाम पे शहरी विकास खंड है, इसमें कोई सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा कोई सी व्यवस्था में सुधार नहीं है। कल सीएम साहब आए, अगर मुझे मौका मिला तो मैं सीएम साहब से भी आवेदन दूंगा उनको लिखित में। गरीबों को एम्बुलेंस नहीं दी जा रही, गरीबों को कोई सुविधा नहीं है, गरीबों के नाम पे तो लूटा जा रहा है यहाँ पर। एक तरफ तो कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज करा, झोला छापों के मत जाओ। हाँ तो सरकारी में कोई व्यवस्था ही नहीं है, देखो नहीं है, कल से मरीज तड़प रहे हैं और आज तक कोई गाड़ी की व्यवस्था ही नहीं है। सरकार है यहाँ पे, रात कई आदमी परेशान है, बाहर बैठे ऐसा रात भर हो गई। जो परेशानी है साहब, कोई एम्बुलेंस ना कुछ, क्या हो गया है? हमारा वो मोट पग पैर सा सगा मोटरसाइकिल पैसे की पैर टूट गया। कौन भरती है आपका यहाँ पे? हमारी मामी है। अच्छा मामी भरती है? हाँ। तो क्या उनका पैर टूट गया है? हाँ। तो यहाँ से उन्हें रेफर किया गया है क्या? रेफर का ये बोल रहे तो रेफर कर दे, नहीं उसकी सोनोग्राफी तो करवानी है हमें। आपको एम्बुलेंस दी जा रही है क्या? नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप भी पैसों से ले जाओगे? और का पैसे से ले जाएंगे और का करेंगे, ये ऐसा ही हो रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है आदिवासी की। पैसे खर्च करके अब अपना वो कराएंगे इलाज? हाँ तो करवाना पड़ेगा और का करेंगे, तो उसे उठाएंगे हरी मैन नारी करके। उसे एम्बुलेंस नहीं दी गई है, परिजन कह रहे हैं हम कैसे ले जाएं उन्हें श्योपुर तक। अरे अभी परिवार वाले मेरी बात हुई उनके मैनेजर से, वो कह रहे थे परिवार की गाड़ी अभी खराब है यहाँ की कराल की, तो उनको मैंने 11 बजे RR और टेक्नीशियन को बुलाया है, कुछ पार्ट्स भी उसको बुलाए हैं, क्योंकि गाड़ियाँ खराब हुई और एम्बुलेंस जो 108 वाले हैं उनके DC से उनसे बात हुई, तो वो कह रहे हैं उनसे मैंने भी फ़ोन किया था तो गाड़ी वाले से बात हुई, कोहरी से गाड़ी लेके आ रहे हैं, अभी तो आ नहीं पाया है, तो हो सकता है दोबारा फ़ोन लगाया था, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा, हो सकता है नेटवर्क से बात। बाकी ऐसी स्थिति हो रही है, मैं अपनी गाड़ी से अस्पताल वाले से श्योपुर के लिए भिजवा रहा हूं। अच्छा अभी आप उन्हें भिजवा रहे हैं सर अपनी गाड़ी से? सर अपने कितनी एम्बुलेंस है सर जिले कराल अस्पताल पर? कराल अस्पताल पर तो उनकी 3 एम्बुलेंस है परिवार वालों की और दो उनकी है एक कार्ड वालों की। तो वो खराब है क्या सर अभी? नहीं वो तो परिवार वाली खराब बता रहा है वो, और उसकी 108 वाले की गाड़ी अभी है वो आ रही है श्योपुर कार्डियक पेशेंट को
ग्वालियर लेके गई थी, तो लौट के वापसी आ रही। फिर आप भी देख रहे हैं सर, रोज ही एम्बुलेंसों की दिक्कतें आ रही हैं, रोज ही आदिवासियों की दिक्कत आ रही है, इसमें इसका थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता।